क्या है भैया? ब्रो कहाँ चले गए थे ब्रो? कितनी बार कॉल करना पड़ेगा? पहले बताओ बात क्या है? तुम यहाँ से इतनी जल्दबाजी में इंडिया चले गए, तुम्हें पता भी है वो तुमसे मिलने वहाँ आई नहीं थी। अच्छा, आपसे किसने कहा? मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं मानता, आशु ने खुद कहा मुझे। और आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि हम भी उस दिन मिलने नहीं आए थे, क्यों कुछ गलत कहा क्या? बहुत अच्छा किया भैया आपने, यही सही जवाब है। भी गई है। उस दिन तुम क्यों नहीं आए? उस दिन मैं बताऊं, तुम सेल्फिश हो, तुम्हें कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, बस चले तो वही मरोगे। हाँ। भी यही तुम्हारी सोच है ना, इसलिए नहीं आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर उस दिन आप क्यों नहीं आए? मैं बताऊं, बेसिकली तुम एक एस्केपिस्ट हो, हर चीज से भागती हो। उस लड़के से पीछा छुड़वाना था तो मुझे बॉयफ्रेंड बना लिया, फिर जब तुम्हारी माँ रिश्ते की बात कर रही थी तो तुम मेरे साथ मायामी भाग गई। तुम स्टैंड नहीं ले सकती, डरपोक हो, एस्केपिस्ट हो। गेट आउट। जो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदता है वो यहाँ खड़ा रह सकता है। मैंने कुछ और सोचा था, यहाँ कुछ और ही हो रहा है, मुझे कुछ और समझा, वही जानने के लिए कॉल किया था। यही है क्या? दुख में भी हैंडसम है। बकवास बंद कर, चल। तो चाय पिलाओ। भाई उस लड़की को देखो, मस्त लग रही है। चाहो तो जाकर बात कर लो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। आजकल इन लड़कों का कोई भरोसा नहीं, किसे भी देखकर सिटी मारते हैं। चुप कर। ए, चलना है क्या? मस्त दिख रही है ना? मुझे देखकर सीटी किसने मारी? सीटी मारी? भाई ये खुद को हीरो समझता है, सीटी मारी बोल रहा है। मुझे देखकर सीटी किसने मारी? ए, तुझे नहीं मारे। मुझे देखकर सीटी किसने मारी? ए, चलना क्या पका रहा है? जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। किसने मारी? तूने? तूने मारी? तूने मारी? तूने? तुम्हें देखकर नहीं मारी, लड़की को देख के मारी थी। इधर इधर। इस लड़की को? हाँ। मुझे बता, इसकी हाइट ज्यादा है या मेरी? तुम्हारी हाइट। ये ज्यादा गोरी है या मैं? आप भाई। मतलब मुझे देखकर सीटी मारी ना? सही कह रहा हूँ ना? लड़कों को चैन से जीने नहीं दोगे। आदमी आदमी को देखकर सीटी क्यों मारेगा भाई? क्या बोला तूने? आदमी आदमी को देखकर सीटी क्यों मारेगा भाई? देखो, बार बार एक ही बात नहीं समझाऊंगा, सब कोऑपरेट करके एक ही बार में समझ जाओ तो अच्छा होगा, ठीक है ना? क्यों रे, तू सीरियस है क्या? मैं फाइट सीन के बीच में कॉमेडी करूंगा क्या? इधर आ। अभी अभी तू कुछ बोल रहा था ना? कुछ क्या कह रहा था? कुछ नहीं बोला। अरे बोल ना। आती है क्या? बोला हाँ भाई। हाँ कहाँ आना है? बोल बोल ना, कहाँ आना है? अरे बता कहाँ आना है, बोल। अगर गर्मी बढ़ रही है तो स्वेटर उतार दे, लड़कों पे लाइन मारना बंद कर। तुझे लेट होगा इसलिए मैं चला गया था। चल भाग। ओके।
हेलो सर। हेलो, सेंड मी 4 लार्ज व्हिस्कीज प्लीज। सॉरी सर, सर्विस हैज बीन क्लोज्ड फॉर द डे। व्हाट? ट्राई यार। सॉरी सर। क्या कर रहा है? गेट आउट कह दिया। किसने? जो भी हो, तुझे क्या पता नहीं उसकी माँ ऐसे क्यों देख रही थी। उसकी माँ कौन थी? उसकी माँ जो भी हो, तुझे क्या? उसने कहा बिना बुलाया आ गया। किसने? अरे वो जो भी हो, तुझे क्या? अबे तो पर मुझे यहाँ पर तू लाया क्यों है? तुझे ग्लास भरने के लिए लाया हूँ। क्या मैं भागने वालों में से हूँ? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हो भी सकती हो, नहीं भी हो सकती हो। देखिए उसने क्या किया है। उसका नंबर है? मुझे पता था आप मांगेंगी। स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर। अब कौन फोन कर रहा है? कितना डिस्टर्ब करते हैं। हेलो, कहाँ हो तुम? कौन है? मेघा, मेघा सुब्रमण्यम। बाप रे, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड जैसे क्यों कह रही हो? मेघा, बकरी जैसी दिखती हो। मेघा, ओह शिट, 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 शिट। मैं कैसे दिखती हूँ ये तुम मत बताओ। कौन से होटल में हो? ताज होटल में रुका हुआ हूँ। आई एम कमिंग, आई एम वेटिंग। आओ देख लूंगा। आने दो, फिर देखता हूँ इसे। आई एम इरिटेटिंग। चलिए बेटी जी, मार देते हैं, चलिए। यही कमरा है। गणेश चलो। बेटी जी, अंदर बहुत कुछ हो रहा है, आप देख नहीं सकती, यही आंखें बंद करके खड़ी रहिए। योर ग्रेस इज नीडेड। इतनी बोतलें खत्म कर चुके हो? किसी बारात में आए हो तुम लोग क्या? अब ये कौन है? इसी की बात कर रहा था यार, मारने की धमकी दे रहा था मुझे। तो मार दें। ए, मार दोगे मुझे? कहाँ आए हो, क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ऊटी आए हैं, शराब पी रहे हैं, हिंदी बात कर रहे हैं। जितना बोलना था बोल चुके, लेकिन याद रखो कि अब एक शब्द भी अगर बोले ना तो मार डालूंगा तुम दोनों को। हेड्स एंड टेल से किस्मत आजमाओगे? हेड आया तो मार कर छोड़ दूंगा, टेल आया तो गर्दन उड़ा दूंगा। हाँ। अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। गंदे गंदे निशान है, मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। मेरे कपड़े उतार कर मारोगे? घर पे माँ भाई नहीं है क्या? चुप कर, मत मारो प्लीज। इन दरिंदों से बचाओ मुझे, ऊपर वाले। अरे मुझे सिर्फ चट्टी में छोड़ दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इन बदमाशों ने। हाय रे, तुम लोग इंसान हो या जानवर? मैं खुद ही जाकर देखती हूँ।
अभी मुझे क्या करना होगा सर? शराब लेकर आ। ऊटी की सारी शराब तो आप पी गए हैं सर। क्या बात है? ए तेरी। बेटे जी। क्या हुआ? मुझे इन्होंने बहुत मारा। सुबह और दिन में जो हीरो की तरह नजर आता है वो रात में विलन की तरह बिहेव कर रहा था बेटी जी। मेरी कंप्लेंट कर रहा है सर? सर रूम मेंटेनेंस बिल्कुल खराब है, यहाँ बार बार बिजली भी जा रही है। मैं हाउसकीपिंग को कंप्लेन करके आता हूँ। मैं बाहर हूँ बेटी जी। कैसे इंसान हो तुम? ये सब करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी शराब मेरा पैसा, पीने में शर्म कैसी है? तुम पियो या मरो, आई डोंट केयर। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे लौटा दो मैं चली जाऊंगी। शराब के लिए इतनी दूर चली आई हो? कहा होता तो मैं लेकर आ जाता। क्यों पम्मी? ऑब्वियसली। हाँ। जिमी कहाँ है? जिमी? ये तो विस्की है, वो भी खत्म हो गई। वैसे कुत्तों को कब से चुराने लगे तुम? कुत्तों को? ये साउंड। जिमी? दूर से देखकर ये भौंक रही थी, पास जाने पर प्यार से चाट रही थी। पता नहीं क्यों लगा इसे पुराना याराना है, इसीलिए इसे अपने साथ लेकर आ गया। सॉरी भाई। जिमी कम बेबी कम। कुछ वक्त तक हम साथ थे ना, तो भूल नहीं पाई। बचपन में पापा ने इसे छोड़ने को कहा, पता नहीं है तुम्हें कहाँ मिल गई। तुम्हें लगता है मुझे मिली है, और मुझे लगता है तुमने छोड़ दिया था। बस बस मुझे क्यों मार रहा है यार? इसे मारना नहीं कहते दोस्त। नहीं नहीं प्लीज, रात को भी तूने बहुत मारा। तू तो पीने में इतना बड़ा एक्सपर्ट है कि पिएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना? नहीं भाई नहीं, मत मार। अरे भाई, अरे भाई गलती से कुत्तों को चुराने का साइड बिजनेस शुरू कर दिया यार मैंने। नहीं किया, अरे मुझे लगा उससे पुराना याराना, गलती हो गई यार। चुराने के लिए वही कुत्ता मिला था तुझे पम्मी? है तू मेरा दोस्त है या कोई दुश्मन है? आज इस बात का पता लगा के रहूंगा, पता लगा के रहूंगा। मार मत मार मत, वो अमेरिका जाते वक्त 2,00,000 रुपए लिए थे ना, इसीलिए। ऐसा नीच इंसान है तू, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो कपड़े उतार कर मारना चाहिए। नहीं लूटी नहीं लूटी नहीं। सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। नो प्लीज। ये सब क्या है, क्या कर रहे हो? पापा आप यहाँ कैसे? रात को तुम रो क्यों रहे थे? डैडी आई मिस यू डैडी, आपको देखने का मन कर रहा है डैडी, प्लीज आ जाइए। कहाँ हो? कुन्नूर में हूँ, ताज में रूम नंबर 405। वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कुछ और सोचा था, यहाँ कुछ और हो रहा है, मुझे कुछ समझा है। दीदी से छुपा कर इसे ले आई हूँ, आज घुमा कर कल तक लौटा देना। काम वाले हो ना, पकड़ो इसे। वो दीदी कौन है, ये कुत्ता कौन है? दीदी के बारे में पता नहीं, मगर कुत्ते से पुराना याराना है हमारा। इस नर्क से बाहर निकल कर बात करें हम लोग। जिमी ये लो, खा लो, खा लो। अमेरिका को छोड़कर तुम यहाँ कुन्नूर क्यों आ गए हो? रात को फोन क्यों किया? फोन पर रोए क्यों? सुबह सुबह इस कुत्ते को बिस्किट क्यों खिला रहे हो? अरे मम्मी आप समझाइए ना, मैं क्यों रोऊंगा? रात को फोन पे बात करते वक्त नेटवर्क थोड़ा कट हो रहा था, इसलिए आपको ऐसा लगा। सुनिए जी, इसका कुछ तो कीजिए। लेकिन तुम इतना रो क्यों रहे थे? आपकी याद आ गई तो रोना आ गया, बस यही बात है। याद आने पर फिक्र, रोने पर दुख होता है, रोकर फिक्र कैसे हो सकती है? ये सब ब्रांडी का इफेक्ट है अंकल। सुनिए जी, इसे ऐसे मत छोड़िए। मैं जानता हूँ इसका क्या करना है,
Thank you.